हेलो दोस्तों, आप सब लोगों ने वाराणसी का नाम तो सुना होगा और काफी सारे लोग घूमने भी गए होंगे, लेकिन क्या आप सबको पता है कि 80 घाट का नाम 80 क्यों पड़ा और वाराणसी का घाट हिंदुओं के लिए क्या महत्व रखता है और इसके इतिहास में कौन कौन सी चीजें छिपी हैं? तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं 80 घाट के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। काशी यानी कि वाराणसी दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में एक है। वाराणसी जो बनारस के नाम से जाना जाता है, वह अपने गंगा घाटों के लिए दुनिया भर में विख्यात है। हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक गंगा के घाटों को निहारने के लिए दुनिया भर से खींचे चले आते हैं और बनारस में घाटों की लाइन लगी हुई है, लेकिन इनमें से कई घाट ऐसे हैं जो न केवल श्रद्धा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं, बल्कि घूमने फिरने और पिकनिक मनाने के लिए हमेशा से बेहद लोकप्रिय हैं। इन्हीं में से एक वाराणसी का घाट जो 80 घाट है। 80 घाट घूमने के लिए जब पर्यटक निकलते हैं तो 80 घाट घूमना नहीं भूलते। 80 घाट का नाम 80 इसलिए पड़ा क्योंकि यह पवित्र पावन नदी गंगा और 80 के संगम पर बसा हुआ है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है, जिससे हम आपको 80 घाट से सभी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। वाराणसी का 80 घाट फिल्मों में कई बार देखने के लिए मिल चुका है। इनमें मोहल्ला 80, राजना और द लास्ट कलर और एक वो है बनारस और इश्क आदि शामिल हैं और काफी नाटक टीवी सीरियल में भी वाराणसी का घाट दिखाया जाता है। बनारस का 80 घाट हमेशा ही देश विदेश के पर्यटकों से गुलजार रहता है और यहाँ समय बिताते नजर आते हुए सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग टहलते हुए देखे जाते हैं और शाम के दौरान गंगा का खूबसूरत दृश्य निहारने के लिए लोग यहाँ जमा होते हैं और बड़ी संख्या में 80 घाट इसलिए भी पहुंचते हैं, यहाँ की सीढ़ियों पर बैठकर आपस में गपशप कर सकें और साथ ही पंडितों की व्याख्यान यहाँ गूंजती रहते हैं। वाराणसी के
अस्सी घाट से तो आपका परिचय हमने करवा दिया, लेकिन आपके मन में अब यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अस्सी घाट का धार्मिक महत्व क्या है। वाराणसी का अस्सी घाट हिंदुओं के लिए क्या महत्व रखता है? इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अग्नि प्राण, पद्म प्राण और मत्स्य प्राण में भी इसके बारे में बताया गया है। अस्सी घाटी वह जगह है जिसके बारे में प्राचीन कथाओं में जिक्र है कि जब माता ने शुभ और नशुभ जैसे पाताल के भयानक दैत्यों का तलवार से वध कर दिया था, तो उन्होंने अपनी उस तलवार को उसी जगह पर फेंक दी थी जहां जिस जिस जगह पर माता दुर्गा की तलवार गिरी थी, उस जगह को अस्सी नदी के क्षेत्र का आरंभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब माता दुर्गा की तलवार गिरी तो उसी से अस्सी नदी का उद्गम हो गया था। अस्सी नदी पर गंगा और अस्सी नदियां एक दूसरे से मिलती हैं, इसी वजह से संगम होने के कारण इस जगह का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। अस्सी घाट के बारे में एक और पौराणिक कथा है कि भगवान शिव के ही एक रूप भगवान रुद्र ने गुस्से में आकर इसी जगह पर अस्सी दैत्यों का वध कर दिया था और इसी वजह से यह जगह अस्सी के नाम से व्याख्यात हो गया। और यह भी कहा जाता है कि इन राक्षसों का विनाश करने के बाद भगवान रुद्र को बड़ा अफसोस हुआ था और इसी वजह से उन्होंने हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने यह भी घोषणा की कि भविष्य में काशी एक ऐसी जगह के रूप में व्याख्यात होगी जहां हिंसा के कोई स्थान नहीं होगा और यहां रहने वाले अहिंसा के उपासक होंगे। और आपको यह भी पता होगा कि तुलसीदास जी ने इसी घाट पर एक गुफा में निवास कर रामचरितमानस की रचना की और संवत 1680 में इसी घाट पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। 19वीं शताब्दी के बाद यह घाट पांच घाटों में अस्सी घाट, गंगा महल, रीवा,
तुलसी तथा बदैनी घाटों में विभाजित हो गया। सन 1988 में राज्य सरकार के सहयोग से इस घाट का पक्का निर्माण कराया गया। धन्यवाद।